अगर आप सच में बालों को तेजी से लंबा और घना करना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोगानुसार में एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय समाज में लड़कियों के बाल उनकी श्रृंगारिकता का अहम हिस्सा होते हैं। सभी लड़कियां अपने बालों को लंबा करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करती रहती हैं, लेकिन लंबे बाल होना इतना आसान नहीं है। बालों को लंबा करने के लिए सालों गुजर जाते हैं। हर महिला लड़की हमेशा चाहती है कि उनके बाल घने, लंबे और काले हों। बाल इंसान की खूबसूरती का अहम हिस्सा होते हैं। हर इंसान अपने बालों से अत्यधिक प्रेम करता है। गिरते हुए बाल, रूखे बालों को लेकर हर लड़का लड़की परेशान रहते हैं, इसलिए बालों को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के उपचार करते रहते हैं। बालों का घना और सुंदर होना हमारे खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए बेहद आवश्यक है। हर कोई बाल घने करने का उपचार जल्द से जल्द करना चाहता है। कुछ सामान्य कारण जो आपके बालों को घना होने से रोकते हैं, उनमें तनाव, हार्मोन का असंतुलित होना, पोषण की कमी, प्रदूषण, एलर्जी, हानिकारक उत्पादों का इस्तेमाल, बालों का ध्यान न रखना और जेनेटिक से समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप अपने बालों को तेजी से लंबा और घना कर सकते हैं, वो भी कुछ इस समय में। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे और आपके लंबे बालों का सपना अधूरा रह जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, जी हाँ दोस्तों, बालों को मजबूत और लंबा बनाने के लिए विटामिन ई सबसे आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है, और जैतून के तेल और नींबू में आवश्यक विटामिन ई पाया जाता है। इसके लिए आप एक कटोरी में 10 ml नींबू के रस में 10 ml जैतून का तेल मिलाकर इसे अपने बालों में अच्छी तरह से लगा लें और फिर 20 मिनट के बाद बालों को शैम्पू कर लें। यह एक बहुत ही कारगर उपाय है बालों को मजबूत बनाए रखने का और उन्हें घना और लंबा बनाने का। नंबर दो, करी पत्ता। जी हाँ दोस्तों, करी पत्ते में कई तरह के गुण पाए जाते हैं जिससे सेहत को ही नहीं बल्कि बालों और स्किन को भी ढेर सारे फायदे मिलते हैं। हेयर ग्रोथ के लिए मुट्ठी भर करी पत्ते को 100 ml नारियल के तेल के साथ गर्म करें, जब तक कि तेल हल्के काले रंग का न हो जाए। अब इस तेल को ठंडा कर एक शीशी में भर लें और हर हफ्ते इसे स्कैल्प पर लगाकर मसाज करें। नंबर तीन, जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे आप अपने बालों को धोते हैं वैसे वैसे आपके बालों से प्राकृतिक तेल दूर होता चला जाता है और आपके बालों से खासकर सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ और खुश्की हो जाती है। लेकिन आप इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सेब के सिरके का सहारा ले सकते हैं। यह बालों से गंदगी, धूल और शैम्पू डिटर्जेंट को दूर करता है और बालों के पीएच स्तर को नियंत्रित रखता है, साथ ही बालों को झड़ने से भी रोकता है। इसके लिए सबसे पहले आप बालों को शैम्पू कर लें और फिर सेब के सिरके को पानी में मिलाकर आखिर में इसे अपने बालों में लगाकर धो लें। नंबर चार, ग्रीन टी। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन टी न केवल मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और शरीर की चर्बी को कम करता है, बल्कि बालों के झड़ने को रोकने के लिए भी एक सही उपाय है। प्रयुक्त ग्रीन टी बैग को हेयर मास्क के रूप में बदल दिया जा सकता है, जी हाँ दोस्तों, जो कि बालों को विकास को बढ़ावा देता है और बालों को झड़ने से रोकता है, क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। नंबर पाँच, प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज के रस का उपयोग सबसे पुराना और प्रभावशाली उपाय माना जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद सल्फर ऊतकों में कोलेजन बढ़ाने के साथ साथ बालों को भी बढ़ाने के गुण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप एक या दो प्याज लेकर उसे अच्छे से पीस लें और उसके रस को निकाल लें और उस रस में रुई की मदद से अपने बालों और जड़ों में अच्छे से लगाएं। ऐसा करने से आपके बाल बहुत ही तेजी से लंबे और घने हो जाएंगे। अब लगभग 15 से 20 मिनट के बाद बालों को अच्छे से साफ कर लें।